Assalamu alaikum viewers, my name is Rizwan Cheema and welcome back with another video of Lahore Smart City Walking Tales Episode 6. इस वीडियो में आपको मैं लाहौर स्मार्ट सिटी में कमर्शियल प्लॉट्स हैं चार मरला के उसके बारे से बताऊंगा। सबसे पहले जी एक्सेस रोड की बात करते हैं। ये जो करंट आपको यहाँ पे गेट नज़र आ रहा है, ये इस पॉइंट पे एक्सेस रोड बनेगा और उसके साथ यहाँ पे मैंने पहले आठ मरला कमर्शियल प्लॉट्स की वीडियो बनाई थी जो इस तरफ आते हैं आठ मरला कमर्शियल प्लॉट्स। और ये कुछ ये स्ट्रीट नज़र आ रही है आपको, ये कनाल के प्लॉट की स्ट्रीट्स है रेजिडेंशियल प्लॉट्स की। आठ मरला कमर्शियल प्लॉट्स की बैक साइड पर आते हैं। अब अगर हम इस रोड की बात करें, बेसिकली ये जो रोड आपको नज़र आ रहा है ये सेक्टर ए का कनेक्टिविटी रोड है विद मेन एक्सेस रोड, और एक्सेस रोड के साथ साथ ये जो आपको जिस रोड को कंपैक्शन नज़र आ रही है जिस पे आके काम होगा मजीद, ये रोड जो बेसिकली कमर्शियल प्लॉट की पार्किंग के लिए है। और इसके परली तरफ कुछ आपको जहाँ पे डिप्रेशन नज़र आ रही है, ये वाले जो प्लॉट्स हैं ये चार मरला कमर्शियल प्लॉट्स होंगे जो रेलवे लाइन फेसिंग होंगे। ये सारे के सारे प्लॉट्स फ्रंट बैक ओपन होंगे। अब कुछ लोग ये बात करते हैं कि जी रेलवे लाइन फेसिंग प्लॉट्स होंगे तो उनकी वैल्यू फ्यूचर में नहीं बनेगी या फ्यूचर में उनको नुकसान होगा, इसलिए आठ मरला कमर्शियल प्लॉट ज़्यादा बेनिफिशियल है, सो फॉर एंड सो ऑन, इस तरह की बातें। बेसिकली जो चार मरला कमर्शियल प्लॉट है, इन माई पर्सनल ओपिनियन, इनकी वैल्यू ज़्यादा होगी कंपेरिजन टू आठ मरला। आठ मरला की वैल्यू तो डेफिनेटली ज़्यादा होगी क्योंकि उस पर आपको हाइट ज़्यादा मिलती है, ग्राउंड प्लस फाइव का ऑप्शन मिलता है, बेसमेंट ग्राउंड और ऊपर पाँच फ्लोर देखें तो आपको सात फ्लोर की आपकी रेंटल वैल्यू मिलती है। लेकिन चार मरला किसी लिहाज से कम नहीं है क्योंकि इसकी जो लोकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकेशन में सिर्फ एक कौन जो आता है, दैट इज़ रेलवे लाइन। शायद दिन में दो या तीन ट्रेन गुजरती होंगी यहाँ से, इसके अलावा यहाँ पे ऐसा कोई एक्टिविटी नहीं है शोर की। लेकिन रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें अगर, तो रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि यहाँ पे रियल एस्टेट एजेंट्स की पूरी मार्केट बनेगी तो ये वाले जो प्लॉट्स होंगे इनकी रेंटल वैल्यू इस लिहाज से ज़्यादा होगी। पूरा पूरा प्लाजा आपका रेंट पर चला जाएगा, यानी कि आपने प्लाजा अगर कंस्ट्रक्ट किया हुआ है तो आप पूरे प्लाजे को रेंट आउट कर सकते हैं जस्ट टू अ सिंगल ऑफिस, सिंगल कंपनी, कोई बंदा होगा तो उसके लिए ये ज़्यादा फिजिबल ऑप्शन होगा क्योंकि जिस बंदे ने भी लाहौर स्मार्ट की साइड पर आना है उसने इंडिविजुअली यहाँ से एंटर होना है इस पॉइंट से। अब इस पॉइंट से एंटर होना तो एंट्रेंस के साथ ही लेफ्ट साइड पे रोड आ रहा हो अगर तो डेफिनेटली, और ऑफिसेज लगे हों, ऑफिसेज हों वहाँ पे, बोर्ड्स लगे हों, प्रॉपरली एक्टिविटी हो और रीसेल में किसी बंदे ने प्लॉट लेना है या बेचना है कुछ भी करना है तो उसके लिए रोड जो है बेसिकली मजबूरी बन जाता है, यानी यहाँ पे इसको रोड को क्रॉस करना मजबूरी बन जाता है। तो जब यहाँ पे आप आएंगे तो डेफिनेटली जिन इंडिविजुअल्स के प्लॉट हैं यहाँ पे चार मरला कमर्शियल उसको रिटेन करें लॉन्ग टर्म के लिए और उस पर आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छा बेनिफिट होगा इन टर्म्स ऑफ रेंटल वैल्यू। अब वो भी तो लोग हैं जिन्होंने प्लॉट लिए थे जस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज़ और इन्वेस्टमेंट को उन्होंने डायल्यूट करना है, बेचना है प्लॉट को, तो उनके लिए क्या ऑप्शन हैं? अब जिन्होंने इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए प्लॉट लिए थे यहाँ पे उनके लिए ऑप्शन ये बनता है कि जब मार्केट में यहाँ पे मार्च या मोस्ट प्रॉब्ली जून ऑनवर्ड्स पोजेशन आएगा कमर्शियल प्लॉट्स का तो सोसाइटी की तरफ से जब यहाँ पे ऑफर किया जाएगा पोजेशन तो हर एक प्लॉट की वैल्यू इक्वली बढ़ेगी। यानी जिन मेम्बरान ने 100% पेमेंट पूरी करनी है उनको तो कमर्शियल का पोजेशन मिल जाएगा, जिन मेम्बरान ने 20% 30% 40% किया होगा तो उनको क्या होगा, उनकी डेफिनेटली मार्केट वैल्यू अप्रिशिएट करेगी। करंट मार्केट ओन जो है दैट इज़ अराउंड 15-16 से स्टार्ट होकर 18 लाख तक जाता है, लेकिन इसके ओन में आप एक्सपेक्ट करेंगे कि 100 से 200% गैप आएगा जब इसका पोजेशन आएगा क्योंकि तब ये सबसे ज़्यादा डिमांडिंग प्रोडक्ट होगा मार्केट का, इवन मोर देन दिस वन कनाल रेजिडेंशियल प्लॉट्स जिन पे यहाँ पे विलाज भी बन रहे हैं, मॉस भी बन रही है, पार्क भी बन रहा है, सब कुछ बन रहा है, इवन मोर देन दीज एट मरला कमर्शियल प्लॉट्स जो मेन रोड पे 180 फीट रोड प्लस सर्विस रोड 220 फीट रोड पे आते हैं उनसे भी ज़्यादा डिमांडिंग होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि यहाँ पे एक्सेस जो है वो सबसे ज़्यादा ईजी है, सबसे ज़्यादा फिजिबल एक्सेस है और इस वक्त आप मशीनरी की एक्टिविटी देख सकते हैं इस साइड पर भी और इस साइड पर भी। ये लाहौर ईस्टर्न बाईपास है, यानी अगर आप यहाँ से गुजरते हैं ईस्टर्न बाईपास से तो लाहौर रिंग रोड ही बेसिकली कहते हैं इसको, यहाँ से गुजरते हैं तो आपको ये सारी एक्टिविटी ऑन ग्राउंड नज़र आती है। और ये जो रेलवे लाइन है और रेलवे लाइन के साथ साथ ये कमर्शियल प्लॉट्स होंगे, डेफिनेटली यहाँ पे कुछ जो एक शोर की बात है वो पॉइंट 100% लेजिट है, वैलिड है, क्योंकि यहाँ पे शोर बहुत ज़्यादा होगा। क्यों शोर ज़्यादा होगा? क्योंकि ट्रेन जब गुजरेंगी तो ऑटोमेटिकली पूरा एक रशी सा इन्वायरमेंट बन जाएगा। बट कमर्शियल प्लॉट में कभी आपको सुकून के लिए तो जगह चाहिए नहीं होती, क्योंकि सुकून के लिए जगह आपको चाहिए तो आप हमेशा रेजिडेंशियल प्लॉट ढूंढते हैं। कमर्शियल प्लॉट में आपको रहता नहीं है, कोई लिविंग नहीं रखता, तो सोसाइटी ने बड़ी अच्छी एक्टिविटी की है। एक तो यहाँ पे लेट्स से 40 फुट की हाइट है तो ग्राउंड प्लस 3 या ग्राउंड प्लस 4 के जब यहाँ पे प्लाजे बनेंगे तो इस साइड को बड़ी अच्छी प्राइवेसी मिल जाएगी, इस साइड को प्राइवेसी मिल जाएगी और शोर भी नहीं आएगा सच। और दूसरी ये कि यहाँ पे जो मार्केट बनाने जा रही है कंपनी, यानी कैपिटल स्मार्ट सिटी के ऑफिशियल्स जो हैं लाहौर स्मार्ट सिटी के, यहाँ पे रियल एस्टेट के एजेंट्स की मार्केट बनाने जा रहे हैं तो उस वजह से ये जो ये प्रोडक्ट है ऑटोमेटिकली डिमांडिंग होगी और ज़्यादा डिमांडिंग होने के साथ साथ इस प्रोडक्ट में ज़्यादा बेनिफिट होगा उन मेम्बरान को जिन्होंने यहाँ पे अर्ली स्टेज पे प्री लॉन्च रेट्स में प्लॉट में इन्वेस्ट कर लिया। सो वेज दिस वॉज इट फ्रॉम टुडे। अगर आपको लाहौर स्मार्ट सिटी या कैपिटल स्मार्ट सिटी में बुकिंग के वाले कुछ मालूम चाहिए तो मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट विजिट करना मत भूलें www.makansolutions.com। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। रिजवान चीमा को दीजिए इजाजत अगली वीडियो तक के लिए, खुदा हाफिज़।